अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कौन सी कॉपी में काम करेंगे? आज हम उर्दू की कॉपी में काम करेंगे। उर्दू में आज हम पढ़ाई करेंगे। हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, ठीक है? प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताएं ये क्या लिखा हुआ है। ये 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 क्या लिखा हुआ है? ये 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 है। फिर पढ़ें। ये है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब ये देखें, ये क्या है? कौन बताएगा? अरे ये तो सेब है। सेब, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? फिर पढ़े, देखिए अब हम जुमला बनाएंगे। पढ़ें। ये सेब है। फिर पढ़ें दोबारा। ये सेब है। अब जल्दी से बताएं ये क्या है? ये तो टोकरी है। ये तो टोकरी है। फिर जल्दी से पढ़ें। ये टोकरी है। फिर पढ़ें। ये टोकरी है। जिसकी तस्वीर होगी मेरा बच्चा, उसका नाम लेकर हमने पढ़ाई करनी है। ये टोकरी है। अरे वाह, ये क्या है? ये तो हाथी मेरा साथी है। ये तो हाथी है। फिर पढ़ें इसके साथ। ये हाथी है। ये हाथी है। प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये तो सबको पता है, टोपी। टोपी को हम सर पर पहनते हैं। फिर पढ़े मेरे साथ। ये टोपी है। फिर पढ़े। ये टोपी है। अरे वाह, ये तो सबको पता होगा, ख़ास तौर पे लड़कियों को। प्यारी सी जो गुड़िया होती हैं अपनी मम्मा की, उनको तो पता होगा ये क्या है। गुड़िया, जो छोटी प्यारी सी बच्चियाँ होती हैं वो गुड़िया से खेलती हैं। चले सब पढ़ें। ये गुड़िया है। ये गुड़िया है। और ये क्या है? क्वैक क्वैक, ये तो बत्तख है। जल्दी से पढ़ें। ये बत्तख है। ये बत्तख है। ये तो सबको पता होगा, ये क्या है? ये जानवर तो केले बहुत शौक से खाता है। ये तो बंदर है। क्या है ये प्यारे बच्चों? बंदर। तो सब पढ़ेंगे। ये बंदर है। ये बंदर है। अरे वाह, ये क्या है? ये तो प्यारी सी चिड़िया है। चिड़िया, क्या है ये बेटा? चिड़िया। तो सब पढ़ें। ये चिड़िया है। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों, कैसे पढ़ाई करनी है? चलें प्यारे बच्चों, अब जल्दी से उर्दू की नोटबुक निकालें। सफ़ा नंबर 17, आज की तारीख डालेंगे, लिखेंगे आज की तारीख, ठीक है? 14 जुलाई 2020। और ये है जमात का काम। कौन सा काम है? जमात का काम, ठीक है? तो जल्दी से पढ़ें। ये क्या है? तो आपने बताना है कि क्या है ये चीज़ें बनी हैं। जल्दी से पढ़ें। ये बंदर है। मैंने आपको पढ़ाया था ना मिस आयशा ने। फिर पढ़ें। ये टोपी है। देखें यहाँ पर भी ये लिखा है, ये भी ये है, ये भी ये है। इन सबको ये पढ़ना है। ये पलंग है, ठीक है? फिर पढ़ो। ये पलंग है।
अच्छा पलंग के ऊपर क्या बिछा हुआ है? बिस्तर। पलंग जो है इसके ऊपर क्या बिछा हुआ है? बिस्तर। तो आप इसको बिस्तर भी बोल सकते हैं। ये बिस्तर है, ठीक है। पलंग भी बोल सकते हैं, ये पलंग है और पलंग के ऊपर क्या बिछा हुआ है? बिस्तर। आगे पढ़ें, ये टोकरी है, ये टोकरी है। तो प्यारे बच्चों पेज नंबर 17 की आपको क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई। ये और है अल्फाज को याद करना है और कोई भी तस्वीर हो उर्दू में उसका नाम लेकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। चले प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 16 निकालें, ठीक है। तारीख लिखें आज की और घर का काम, ठीक है। सवाल है पढ़ें और लिखें। पहले हम पढ़ेंगे, क्या है ये? ट ट ट ट। तो मैं आपको बताती हूँ एक लाइन के ट कैसे लिखते हैं। वैसे लिखना है दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, ट के ऊपर छोटी सी तोई बनाएं, ट। फिर दोबारा देखें, दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, ट के ऊपर छोटी सी तोई बनाएं, ट। फिर देखें, दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, ट के ऊपर छोटी सी तोई बनाएं, ठीक है। ये क्या है? ट। क्या है ये? ट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका जमात का काम भी आपको करना है और घर का काम भी आपको करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको दोनों काम करना है, जमात में आपने पढ़ाई करनी है और घर का काम जो है वो आपने लिखाई करनी है ट की, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।